चेन्नई से जयपुर के लिए अर्ली मॉर्निंग निकल गया था, क्योंकि मेरी फ़्लाइट का बोर्डिंग टाइम 4:30 का था। तो मैं 3:30 के आसपास अपने घर से निकला था एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट की थोड़ी डिस्टेंस है, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी निकलना पड़ा। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो आपको जनरली पता है एयरपोर्ट पे थोड़ी साफ़ सफाई का ज़्यादा ही ध्यान रखा जाता है। बाकी बस स्टैंड्स अपने रेलवे स्टेशन के बजाय एयरपोर्ट की अच्छी सफाई रहती है। तो जैसे ही मैं अंदर की तरफ इंटर किया तो एक देखने लायक चीज़ मुझे देखने को मिली कि एक स्टेचू बना हुआ था वहाँ पे एक फार्मर का अपने दो बैल के साथ में, तो देखने में काफ़ी आकर्षक था। मैंने अपना फाइनल सामान चेक इन करवाया। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स बाहर निकाल के बकेट में रखना रहता है। उसके बाद मैं अपनी फ़्लाइट जो 3 नंबर से थी उसकी तरफ चला गया। मैंने फाइनली चेक इन करवाया और उसके बाद अपनी फ़्लाइट के अंदर चला गया। अभी आपको एक नाइट का प्रीव्यू और दिन का प्रीव्यू, किस प्रकार सनराइज़ दिख रहा था ऊपर से, वो मैंने सभी चीज़ें कवर की है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा वीडियो को अंत तक देखें, और किस प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ है जो ऊपर से हमें नज़र आते हैं आसमान से फ्लाइट से। नज़ारा कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है कि जैसे नीचे समुंदर हो, केवल पानी दिखाई देता है, और उसके ऊपर बर्फ़ के पहाड़ बने हुए हो, जैसे हिमालय जैसे पहाड़ बने हुए। इस प्रकार का नज़ारा सभी जगह से नज़र आता है। ये एक नदी का प्रीव्यू है, दूसरी साइड में जो जंगल बना हुआ है वो दिखाई दे रहा है। ये भी काफ़ी अच्छा और शानदार व्यू और नज़ारा है।